दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स. ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? सो दैट द रिलेशन आर, दे रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर, ये मतलब रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक आर, ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज, ए आर रिलेशन है, आर रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये जो रिलेशन होगा न तो सिमेट्रिक होगा, न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो ट्रांजिटिव होगा. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझ लेते हैं. देखो, जब दिखाना होता है कि कोई चीज़ ये चीज़ है, इसको दिखाने के लिए उसमें कि हर एक ऑर्डर पेयर को रिलेशन के और रिलेशन के हर एक ऑर्डर पेयर को आपको चेक करना पड़ेगा. जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, सभी ऑर्डर पेयर को आप चेक करोगे ना. बट अगर आपको दिखाना है कि कोई चीज़ नहीं है, न होने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है अगर ये प्रूव करना हो कि ये चीज़ ये नहीं है. ठीक है, तो बारी बारी से आइए सब चेक करते हैं हम लोग इसमें ना. सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई? सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. देखो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, तो रिफ्लेक्सिव है तो क्या करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए ए ए फॉर्म होना चाहिए ना. अगर ए ए बिलोंग करता है रिलेशन में तब तो वह रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं होगा. तो देखो, अब रियल नंबर कितने हैं? रियल नंबर तो इन्फानाइट है, तो इन्फानाइटों को तो आप चेक नहीं कर सकते हो. मतलब क्या करना पड़ेगा? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा रियल नंबर का जो कि क्या हो हो. देखो क्या होता है, जब हम लोग चेक करने जाते हैं तो ऐसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में नहीं, तो देखेंगे क्या करेगा, ये 2 <= 2 का स्क्वायर, तो 2 <= 4 हो गया, ये तो बिलोंग कर रहा है. तो हम लोग एक्चुअल में इंटीजर लेके चेक कर रहे होते हैं, इसलिए हमको लगता है कि होगा. देखो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर हम लोग ले लेते हैं 1/2 ना, अब देखो यह रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? सिंस 1/2 क्या होगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा क्या? आप चेक करोगे तो नहीं होगा, बिकॉज 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4, ये बात गलत है ना. एक्चुअल में क्या 1/4 जो होगा छोटा होगा 1/2 से. ठीक है, तो रिलेशन आपका क्या कर रहा है? रिलेशन ने कह रहा है ना कि ये जो आपका ए बी होगा किस प्रकार से होना चाहिए, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया क्या कि आर, आर मतलब व्हाट, आर ये रिलेशन की बात हुई ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक भाई, आर क्या हो जाएगा? आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. समझ में इतना बात आ गया? बहुत अच्छा. ठीक भाई, हमने यहाँ देखा कि 1/2 इज नॉट बिलोंगिंग इन रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सी नहीं होगा. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई? सिमेट्रिक के लिए होता है कि उल्टा उसका होना चाहिए ना. अगर देखो, अगर 1/2 अगर रिलेशन में है तो 2/1 भी होना चाहिए. तो 1/2 रिलेशन में है, क्यों है? देखो 1 <= 2 का स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा? 1 <= 2 का स्क्वायर 4, ये सही बात है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रिलेशन में है, बट ठीक है, बट देखो क्या होगा, 2/1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? कि सिंस 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये सही है. अब क्या ये बिल्कुल गलत है? एक ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ना. 2 तो क्या होगा, 2 तो बड़ा होगा ना, जबकि हम क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं कि 2 <= 1 का स्क्वायर 1, ये तो गलत है. ये तो 2 बड़ा है, 1 छोटा होता है ना, ये क्या हो गया? गलत साबित हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 2/1 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन. इसका मतलब ये हो गया कि हेंस क्या हो गया भाई, कि आर इज नॉट सिमेट्रिक.
ठीक है, आर जो होगा यह क्या होगा, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा ना। अब आइए हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, क्या चेक करते हैं भाई, अब हम चेक किया जाएगा ट्रांजिटिव है कि नहीं ये रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव प्रूव करने में ना, ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करने मतलब दिखाने में कि ट्रांजिटिव नहीं है, बहुत मज़ा आता है। देखो कैसे ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव होने के लिए ना यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे क्या, जैसे पहले मैं एक तो एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ ना। ट्रांजिटिव देखो, जैसे मैंने दिखा दिया क्या, मैंने कह दिया क्या कि टू मतलब थ्री टू बिलोंग इन रिलेशन, क्यों भाई चेक करना होगा हमको कि थ्री क्या लेस देन आर इक्वल टू टू का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर होगा, ये सही है, इसका मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना। अब एक नंबर और ले लेते हैं क्या भाई, कि 2.15 बिलोंग करेगा रिलेशन में, कैसे देखो, सिंस 2 जो होगा यह लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 1.5 का स्क्वायर, चेक कर लो 2 का ले कितना 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 का स्क्वायर होगा बताइए 2.25, तो बड़ा ये हो गया ना, मतलब ये बिलोंग कर रहा है। अब चेक करो ना, अब चेक करो कि क्या 3 और 1.5 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कि रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो आप ना, देखो क्या हो गया, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, ये सही है गलत, ये वाला वैल्यू बड़ा है ये वाला छोटा है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये देखो यही हो गया ना, ए बी रिलेशन बिलोंग किया, बी सी किया, लेकिन ए सी, ये देखो ए सी, ए सी रिलेशन में, ए सी जो हुआ वह रिलेशन में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि रिलेशन जो है यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो करोगे क्या, ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ना, आपको समझाता हूँ तो समझोगे। जैसे मान लीजिए आप एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, आपने एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया भाई, 3 ले लिया, मान लो 3 ले लिया, ठीक, आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया, या फिर ऐसे पहले जो एक नंबर आप 4 ले लिए और एक नंबर 3 ले लो, ले लिए। अब ऐसा चेक करो कि एक नंबर का जो किसी नंबर का स्क्वायर है, आपको 4-3 हमने लिया है, ध्यान देना होगा 4-3 लिया है, हमने दिखाऊंगा कि ये रिलेशन बिलोंग किया है। अब एक ऐसा नंबर चाहिए, अब इसको उल्टा करके लिख लो ना, अब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि क्या हो, 3 और 4 के बीच में हो, कैसा नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर 3 और 4 के बीच में हो, तो किस नंबर का स्क्वायर 3 और 4 के बीच में होगा भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो अब मतलब है कि कोई किसी न किसी डेसिमल का स्क्वायर होगा, क्या होगा भाई, किसी न किसी डेसिमल का स्क्वायर होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2.25, ये तो कम हो गया, और बढ़ाओ कितना ले लूँ, कितना 1.7 ले लूँ, 1.7 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1.7 का स्क्वायर 289, यह भी क्या हो गया, 3 और 4 के बीच में नहीं है, अच्छा और बढ़ा लूँ क्या, 1.9 ले लूँ, 1.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 361 होता है ना, अभी देखो नंबर इसके बीच में है, तो अब मैं क्या दिखा सकता हूँ, अब मैं दिखाऊंगा इसको क्या, मैं कहूँगा ना कि 4-3 रिलेशन में आएगा ना, और 3 और 1.9 भी रिलेशन में आएगा, चेक कर लो, जो 1.9 का स्क्वायर करोगे तो 3.61 आएगा, जो कि क्या होगा, 3 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1.9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अंतिम में आप दिखा दोगे क्या कि 4 और क्या हो जाएगा, 4 1.9 जो होगा यह रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। नहीं समझना है, फिर से दिखाते हैं, रुक जाइए, देखो भाई क्या किए, आपने एक नंबर लिया 4-3 एक नंबर ले लिए, ठीक है, 4-3 एक नंबर ले लिए, ये रिलेशन बिलोंग करेगा, क्यों करेगा भाई रिलेशन बिलोंग बताइए,
ये रिलेशन बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या है 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये सही है, बहुत अच्छा। अब देखो हमने क्या कहा, अब एक नंबर ऐसा चूज करो किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको चूज करना है, 3 और 4 के बीच में, 3 और इसके उल्टा, 3 और 4 के बीच में एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में हो ना। तो मैंने चेक क्या किया था, मैंने कहा कि मैंने 1.5 का स्क्वायर चेक किया तो ये कितना आ गया 2.25 हो गया, मैंने चेक किया 1.7 का स्क्वायर चेक किया तो 2.89, 279 होता है 17 का स्क्वायर, और 1.9 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, तो ये हो जाएगा। आपके स्क्वायर याद रहेगा तब भाई सोच पाओगे ना, नहीं तो आप क्या करोगे एग्जाम, आपको बस याद करके रखना पड़ेगा इस सवाल को, आपको ऐसे सोचने के लिए आपको ऐसे स्क्वायर याद रहना चाहिए फटाफट ना, तब जाके आप चेक कर पाओगे। तो हमको एक नंबर मिल गया 1.9 जिसका स्क्वायर क्या है 3 और 4 के बीच में है, तो हम ऐसे करेंगे देखो, अब करूँगा 3, अब देखो मैं क्या करूँगा 3, 1.9 भी क्या करेगा यह रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 1.9 का स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, देख चेक कर लो दो कितना हो गया 3.61 हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो लास्ट में क्या, यह ए हो गया, यह क्या हो गया सी हो गया, ए सी बिलोंग करना चाहिए, तो चेक करो कि 4 1.9 रिलेशन बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्लियर तो है बिल्कुल, ये कितना आ रहा 3.61 आ रहा, देखो 4 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1.9 का स्क्वायर कितना होगा भाई, कितना होगा 4 लेस देन आर इक्वल टू 3.61 ना, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, समझ में आ गया बात, बहुत अच्छा। तो क्या हो गया कि जो रिलेशन है तो लिख दोगे क्या, लिख दोगे हेंस, क्या लिख दोगे भाई, लिखोगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ये आप लिख दोगे। देखो अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया भाई कि हेंस आर मीन्स व्हाट, रिलेशन जो आपका है ना, हेंस आर इज नाइदर, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, समझ में आ गया, चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, चले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सेट है जो कि है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रहा है ए बी, अब बी कैसा होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए ना, जबकि ए बी आप जानते हो कि रिलेशन में किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो चलिए भाई रिलेशन लिख लेते हैं ना, सोल्यूशन हमको चेक करना है कि जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ये सभी चीज़ें क्या करनी है, चेक करनी है। देखो रिलेशन में क्या बनेगा, देखो रिलेशन क्या हो जाएगा, या आपका आर, ठीक है, तो कह रहा है कि जो बी होगा, मतलब बी मतलब क्या, सेकेंड वाली वैल्यू क्या, वन पहले वाले से ए वाला जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, बी वाले से कम होगा, या बी कहो कि बी वाला जो वैल्यू होगा इससे एक ज़्यादा होगा ना। देखो कह रहा है कि बी जो होगा ए प्लस वन के बराबर होगा, मतलब अगर हम देखो अगर हम यहाँ पर 1 रखें ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगा, अगर 2 रखें तो बी की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, अगर ए की वैल्यू कितना रखें, 3 रखें तो बी की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, 4 मिलेगा ना, अगर हम 4 रखें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, अगर 5 रखें तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना। अब हम 6 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब 6 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, तो बी भी इसी सेट में होना चाहिए और ए भी इसी सेट में होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसका मतलब रिलेशन आपका ये हो गया, ठीक। अब देखो हमको चेक करना है क्या है, पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखिएगा, हम लोग चेक करेंगे क्या भाई, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, देखो कि सिंस क्या है 1 1 2 2 3 3 ... 6 6 आर नॉट बिलोंग की रिलेशन आर ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं कि जितने भी सेट
ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट होते सबका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब क्या सब के सब ए ए फॉर्म में होने चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए ना। क्या है सिंस दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए बिलोंग रिलेशन में नहीं कर रहा है। जब ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि देयर फोर आर इज नॉट वाट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया, फिर समझते हैं भाई। देखो जितने सेट में एलिमेंट होने होंगे सभी के सभी ना सबका खुद के साथ खुद का इमेज होना चाहिए, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 होना चाहिए, जबकि इसमें कोई भी नहीं। अगर ऐसा भी होता, अगर 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, 5 5 होता, लेकिन 6 6 नहीं होता, तब पर भी ये क्या होता, तब पर भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके अब आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक। हम लोग चेक करेंगे क्या भाई सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इसका उल्टा वाला होना चाहिए ना। जैसे क्या, जैसे देखो रिलेशन में क्या है, 1 2 है, रिलेशन में 1 2 बिलोंग किया, बहुत सही, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 2 1 में तो रिलेशन में तो है ही नहीं ना, सिंस 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो अब हमने क्या कहा कि एक एग्जांपल दिखाना काफ़ी है, आप चाहो तो ये भी दिखा सकते थे कि 2 3 बिलोंग टू रिलेशन बट 3 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, या फिर 3 4 बिलोंग टू रिलेशन बट 4 3 नॉट बिलोंग इन रिलेशन, हेंस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये भी हो जाएगा हेंस आर कौन से आर की बात हो रही है, जो रिलेशन आ रही है इसकी बात हो रही है, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो हम लोग बात करेंगे किसका, हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव का, ठीक है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव बड़ा आसान है इसका भी, देखो क्या है सिंपल सा, ट्रांजिटिव को दिखाने के लिए भी एक एग्जांपल काफी है। मैंने कहा जब नहीं दिखाना होता है तो एक एग्जांपल दिखाना काफी होता है। देखो क्या हुआ, 1 2 रिलेशन में बिलोंग किया बच्चा, मतलब ए बी, अब बी से स्टार्ट होने वाला क्या है 2 3 है, तो क्या हो गया 2 3 भी रिलेशन बिलोंग कर गया। तो क्या होना चाहिए, अगर ए बी आया बी सी आया तो ए सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ए सी है रिलेशन में, 1 3 कहीं रिलेशन में है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस क्या हो गया, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर 2 3 बिलोंग टू रिलेशन, 3 4 बिलोंग टू रिलेशन बट 2 4 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख दो। हमने कहा आपको ना कि जब दिखाना हो कि ये चीज़ नहीं है, तो अगर एक भी कंडीशन ऐसा फॉलो कर गया जो उस बात को फॉलो नहीं करता है ना, एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया तो क्या हो जाएगा, तब वो प्रूफ हो गया कि वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर होना होता है तो हर एक ऑर्डर पेयर को चेक किया जाता है, नहीं होने के लिए एक भी ऑर्डर पेयर मिल गया बस प्रूफ हो गया क्या कि यह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि हेंस क्या हो गया बाबू, कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव न तो यह रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गया, न तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, और न ही यह रिलेशन क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। ओके नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ओके नोट हो गया, 1 2 3 चलिए करा रिलेशन न आर इन आर, मतलब रिलेशन आर है लेकिन आर मतलब ये रियल नंबर कर रहा है ना, रियल नंबर आर में करा डिफाइंड बाय द ए सच दैट ए लेस देन
आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है कि जो रिलेशन होगा यह क्या होगा भाई, यह रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव ही होगा, बट यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक और क्यों यह रिफ्लेक्सिव होगा और क्यों यह ट्रांजिटिव होगा। देखो देखो मैं इसको प्रूव करता हूँ ना सॉल्यूशन इसका। देखो पहला चेक करता हूँ किसको, रिफ्लेक्सिव को चेक किया जाए। रिफ्लेक्सिव ठीक है। देखो अभी जानते हो आप ना कि कोई भी रियल नंबर आप ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, वह रियल नंबर क्या होगा, ए ए फॉर्म में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। जैसे कोई भी रियल नंबर ले लो तो बस आप तो एग्ज़ाम में बस केवल इतना लिख दोगे क्या भाई, क्योंकि क्या है कि ए लेस देन आर इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा बताइए। कोई नंबर, कोई भी रियल नंबर लो, वह नंबर खुद से छोटा या बराबर होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अगर ले लेता एग्जांपल, आप नहीं लोगे तब भी चलेगा, मैं हालांकि दिखा दे रहा हूँ ना, आप नहीं लोगे तब भी चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया वन बाई टू, वन बाई टू इज बिलोंग टू रिलेशन, क्यों, क्योंकि ऐसा होगा भाई कि वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू होगा ना। ऐसा कुछ भी ले लो, कुछ भी आपके मन में जो आ जाए, क्या ले लो, 3.5 ले लो, चलो भाई 3.5 3.5 बताओ रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आ जाएगा भाई 3.5 इज लेस देन इक्वल टू 3.5, सही है। तो देखो आप कितने रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो अब इनफाइनाइट रियल नंबर को आप नहीं दिखा सकते हो ना, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाओगे क्या, कि सिंस ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए लेस देन इक्वल टू ए ना। कोई भी रियल नंबर ए लो, कोई भी ए रियल नंबर लो, वो क्या करेगा, यह लेस देन इक्वल टू ए होगा ठीक ना, चाहे वह जितना भी ले लो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हेंस ये जो रिलेशन आर है, हेंस आर आर इज अ सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, अब चेक करते हैं रिलेशन जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है ठीक। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, देखो सिमेट्रिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर देखो अगर कोई भी रियल नंबर ए है और बी है, तो अगर वह रिलेशन में बिलोंग कर गया ठीक है, बहुत सही बात है। अब बताओ तो अब इसके अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन के अनुसार क्या कह रहा है, रिलेशन के अनुसार यह हो गया, रिलेशन के अनुसार क्या हो गया कि सिंस ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या कभी, क्या कभी ऐसा हो, बट अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है तो बी लेस देन आर इक्वल टू ए कभी भी नहीं हो सकता है। अरे भाई वही बात है, जब वही रियल नंबर है, जब ए छोटा होगा बी से ना, तो वही बी फिर कैसे छोटा हो जाएगा, ऐसे बराबर होता तो मान लीजिए चल जाता ना, लेकिन वही तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए वन वन को फॉलो कर गया, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर ऐसा एक भी मिल गया कि नहीं दिखा रहा, तो भाई जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, अगर लेता वन टू, जैसे देखो मैं ले रहा हूँ वन टू ना, वन टू बिलोंग करेगा भाई वन इज लेस देन इक्वल टू टू, सही है, लेकिन क्या होगा, टू लेस देन इक्वल टू वन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा यार है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि हेंस बी ए इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस, इसका मतलब ये हो गया कि आर इज नॉट व्हाट सिमेट्रिक, आर जो होगा एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा ठीक है भाई। अब आइए चेक कर लेते हैं व्हाट, ट्रांजिटिव को चेक किया जाए। चलिए चलो भाई ट्रांजिटिव ना देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। ट्रांजिटिव के क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर कोई रिलेशन ए बी है, ध्यान समझना ना, अगर ए बी है ठीक,
अगर ए बी क्या किया, अगर ए बी क्या किया, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर गया, ठीक है, अगर ए बी क्या कर गया भाई, रिलेशन में आ गया, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका यह हुआ कि ए इज लेस देन बी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा, ध्यान से देखना एकदम। मैं फिर छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ ना, अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए है एक, एक क्या है भाई बी है, और एक क्या है यहाँ पर सी रहेगा। अब देखो अगर ए बी आ गया तो क्या कह रहा है कि ए जो होगा ए से बड़ा कौन है, बी है, सही है, यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा है, ए छोटा है बी से। अब देखो यहाँ पर अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग कर जाए तब तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इज ग्रेटर, बी इज लेस देन सी, मतलब सी इज ग्रेटर देन बी ना, ए भी सही है, क्या होगा सी बहुत बड़ा हो गया यह, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सबसे छोटा नहीं होगा और सी सबसे बड़ा नहीं हो गया। देखो सी सबसे बड़ा हो गया, देखो ऐसे ना, ए से बड़ा बी और बी से भी बड़ा सी है, तो सी सबसे बड़ा है और ए क्या है सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या रिजल्ट निकल गया, इन दोनों से रिजल्ट ए निकल कर आया, विच इम्प्लाइज दैट कि ए सी आल्सो बिलोंग इन रिलेशन ना, ए सी आल्सो बिलोंग इन रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहते तब भी दिखा सकते हो ना, जैसे ये वाला एग्जांपल सीधे सीधे आप दिखा दो क्या कि वन टू रिलेशन में बिलोंग किया था, क्योंकि न नहीं दिखाना है, मतलब प्रूव करना है कि नहीं है, नहीं होने के लिए क्या है, जब दिखाना है कि नहीं है ना, नहीं होने के लिए एक एग्जांपल का भी है, तो दिखा दो वन टू बिलोंग टू रिलेशन, बट व्हाट, बट टू वन इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिंपल एकदम है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह होगा कि हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ना, ये जो रिलेशन है ना, ये क्या है, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप लिखोगे ऐसे एग्जाम में नहीं करोगे, लिख दोगे ना, हेंस इट इज द आर इज रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी क्वेश्चन नंबर फाइव जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह है ना, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, आर यहाँ पर जो आर ये दे रहा है ए आर ना, ये कह रहा है रियल नंबर है, ए आर रिलेशन को बता रहा है, ठीक है, इस आर को एक्चुअल में ये जो आर है मैं ऐसे लिखा हूँ लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे कुछ लिखता हूँ मैं बार बार ताकि ये रियल नंबर को अलग से दिखाया जा सके। डिफाइंड बाई रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं ना, आइए चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो अगर होना होता ना तो भाई हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देंगे हो जाएगा ना, लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर कोई ऐसा कंडीशन हो गया जो नहीं फॉलो किया तो सीधे सीधे क्या होगा, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं, जैसे देखो जैसे मैंने दिखा दिया क्या रिफ्लेक्सिव के लिए ए फॉर्म होना चाहिए, देखो अगर वन बाई टू क्या है इज नॉट बिलोंगिंग इन रिलेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस वन बाई टू इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू वन बाई टू का होल क्यूब, ठीक है, कोई भी रियल नंबर की बात है ना, तो आप टू टू लेकर चेक करोगे, थ्री थ्री फोर फोर ना, -2 -2 -3 ऐसे चेक करोगे तो आप देखोगे आप मैक्सिमम आप सही पाओगे ना, लेकिन -2 -2 चेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या ऐसा ही है, ये सही नहीं है, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, देख लो आप चेक कर लो क्या हो जाएगा, आप इसको चेक करोगे, आप चेक करोगे तो क्या पाओगे कि 1/2 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, मींस क्या 1/2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8, गलत है,
वन बाई टू बड़ा है, वन बाई टू छोट, वन बाई एट छोटा है ना, जबकि उल्टा दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि वन बाई टू इज नॉट बिलोंगिंग रिलेशन। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी दिखा सकते थे ना, क्या दिखा सकते थे कि माइनस टू भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि माइनस टू फिर लेस देन इक्वल टू क्या करोगे, माइनस टू का जब क्यूब करोगे तो कितना माइनस एट हो जाएगा, वो बड़ा दिखाएगा जबकि क्या है वो छोटा होगा ना, माइनस एट छोटा होगा, माइनस किससे, माइनस टू से, तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल आप लिख दो क्या, लिख दो क्या कि हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आप ऐसे ही बिल्कुल लिख दोगे आपका एक नंबर नहीं कटेगा, मैं इस बात की फुल गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है भाई, बिल्कुल फुल गारंटी है आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग चेक करेंगे क्या, अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। चलो देखो हम लोग चेक किया जाएगा सिमेट्रिक है कि नहीं, देखो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक देखो क्या होगा भाई, अगर यह रिलेशन सिमेट्रिक है तो ये तो बड़ा आसान है, देखो सिंपल सा, जैसे उसमें भी हमने क्या लिया था, वन टू लिया था शायद क्या सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ भी ले लेते हैं, वन टू बिलोंग इन रिलेशन, क्यों भाई बिलोंग करेगा, देख लो चेक कर लो क्या होगा, वन का क्यूब, अरे वन इज लेस देन इक्वल टू का क्यूब, तो सही है यार, है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उल्टा देखो होगा कि नहीं होगा, तो इसका उल्टा आप देखोगे तो टू वन, बट टू वन इज नॉट बिलोंगिंग इन रिलेशन, क्यों भाई, क्योंकि टू टू लेस देन आर इक्वल टू वन बाई वन का क्यूब, ये बात सही है गलत है बताइए, ये बात तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, टू तो छोटा वन से होगा कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा इस प्रकार से, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से बात आ गया ना क्या कि इस केस में भी ये हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक ना, यह क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है। तब क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव, क्या चेक करेंगे भाई ट्रांजिटिव। तो सेकेंड क्वेश्चन याद है आपको कि कैसे मैंने दिखाया था आपको ना, सेकेंड क्वेश्चन मैं दिखाया था कि आपको तीन टू नंबर चूज करना पड़ता है, तीन नंबर बहुत ही स्पेशल ढंग से हमको चूज करना पड़ता है ना। देखो कैसे, मान लीजिए मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, ध्यान समझो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से वहाँ की तरह, फिर से फिर मैं आपको लिखना सिखा दूँगा ना कैसे लिखते, चेक करते हैं। देखो कोई क्या हो गया भाई ट्रांजिटिव, हमको क्या चेक करना है ट्रांजिटिव चेक करना है, तो हमने दिखाया क्या कि थ्री और 1.5 जो होगा यह रिलेशन में बिलोंग करेगा, 3 और 1.5 जो होगा रिलेशन में क्या करेगा बिलोंग करेगा, क्यों भाई बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सिंस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का क्यूब ना, तो देखो 1.5 का क्यूब कितना होता है बताइए, 1.5 का क्यूब कितना होगा चेक करो, ये हो जाएगा कितना 3.375 होता है ना, तो बड़ा है, सही है बिल्कुल एकदम सही है। अब देखो अब आप क्या ले लो, आप ले लो क्या कि 1.5 और 1.5 और क्या 1.2, 1.5 और 1.2 भी क्या करेगा, यह भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा देखो आप चेक कर लो, 1.5 लेस देन आर इक्वल टू होगा 1.2 का क्यूब ना, आप चेक कर लो 1.2 का क्यूब कितना आएगा, चेक कर लो एकदम सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या देखोगे आप, ये देखोगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में, तो 1.2 का क्यूब कितना आता है, 1.2 का क्यूब आता है कितना भाई 1.728 आएगा, तो देखो सही है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए ना, तो चेक कर लो, तो आप देखो क्या 3 और 1.2 ये क्या करेगा, ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 1/2 का
क्यूब कितना होगा, 3 इज नॉट लेस देन कितना 1.728, ऐसा ही है क्या? गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेंस दिस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो फिर से मैं फिर एक बार बता दूं, कैसे आप देखोगे ना, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ। ऐसे क्या करो, आप एक नंबर ले लो, मान लो कोई मैंने नंबर लिया, क्या नंबर लिया, आपको मैं सोचना बता रहा हूँ ना कैसे, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि इस ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, और मैं क्या ले लिया, एक नंबर 3 ले लिया, ठीक है, एक 5 ले लिया 3 ले लिया, ठीक। तो अब ये दिखा दो कि ये जो 5 3 होगा ये रिलेशन में आएगा, ये बात तो समझ में आता है ना, ये तो भाई सही से बिल्कुल सही है ना, क्यों, क्योंकि 5 is not less than or equal to 3 का क्यूब, 3 3 9 27 बिल्कुल सही है। ठीक, अब क्या करो आप ना, आप क्या करो कि 3 और 5 के बीच में एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका क्यूब जो हो 3 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। इसमें कोई दिख रहा है क्या, ये देखो दिख रहा है 1.5 का क्यूब, ये मिल गया ना हमको, कितना आ जाएगा 3.375। तो हम चूज कर लेंगे 1.5 का क्यूब लेंगे तो ये काम कर जाएगा मेरा। देखो क्या करूँगा, तब मैं देखो मैं करूँगा 3 और 1.5 को चूज कर लिया ना, 1.5 का क्यूब कितना आ जाएगा 3.375 आ जाएगा। हालांकि जैसे आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करोगे, बार बार चेक करोगे, 1/2 लेके चेक करोगे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे लेके चेक करोगे ना, ऐसे कोई करते करते एक ठो कोई ना कोई सेट हो जाएगा कि जो कि जिसका क्यूब जो होगा किसी ऐसे नंबर का क्यूब जो इन दोनों के बीच में आए ना, इन ये 1.5 को मत समझो, इसका 3.5 मतलब 3 और 5 के बीच में किसी नंबर का क्यूब आना चाहिए। तो 1.5 का जो क्यूब है देखो ये है ना, यह 3.375 है जो कि इन दोनों के बीच में है, इसलिए लिया गया। ठीक है, समझ में आया बात, इसलिए ले रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा, अब ये भी रिलेशन बिलोंग कर गया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो क्या है 3 is less than or equal to 1.5 का क्यूब है, देखो है कि नहीं, चेक कर लो इसका क्यूब कितना आएगा, इसका क्यूब आएगा 3.375 आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको मिलाओ आप, क्या होगा 5 1.5, ये अभी रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा ना, ये रिलेशन क्या करेगा, यह बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा 5 is less than or equal to 1.5 का जो क्यूब होगा ये तो कितना होगा 3.37 होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करोगे, चेक करोगे। क्लियर हुआ भाई, बहुत अच्छे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।